नम भीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिन चुनतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदा संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां अतुलितबलरामं हयनशैलावदेहं तनुजवनप्रदानं ज्ञानिनामग्रगणं सकलगुणनिदानं वानराणामदेशं रघुपतिप्रियभक्तम् नमामि अपने अपने घर नीति और सब काहू को पीर और इन्हें पीर सब घर नीति सुधन्य धन्य रघुवीर श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज श्री चक्रधर भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। श्री शंकर भगवान की जय। भारत माता गौ माता की जय। हर हर महादेव। भाव के साथ मिलजुल करके मस्ती के साथ हस्ती को भुला करके भगवान नाम संकीर्तन उसके बाद कथा रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे राजा राजा राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम नगर की जय सब काजा हृदय रागे को चल बोल राजा हृदय रागे को चल बोल राजा Yeah.
राम हरे, राजा राम हरे। और अभी अभी आप जिनकी वाणी को सुन करके धन्य हो रहे थे, विदाई तक उन्होंने कथा को पहुंचा दिया था, और बड़ी प्यारी सीख दी थी माता सुनैना जी ने भगवती श्री सीता जी को। क्या सीख दी कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, 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 पति रूप लखिया यशु अनुसरी हो, पति रूप जो अनुसरी हो, पति रूप लखिया यशु अनुसरी हो, पति लख रूप यशु अनुसरी हो, पति रूप लखिया यशु अनुसरी हो, राजा राम हरे चलेगी। ताली के साथ ये संकीर्तन को गाना है, विश्राम दिवस है। ताली बजाने से होता क्या है, आपके हाथों में राहु की रेखा, केतु की रेखा, शनि की रेखा होती है, और वे विपरीत परिस्थितियों को बनाती हैं। तो महाराज उन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की सर्व सामर्थ यदि किसी में है तो भगवान नाम संकीर्तन में है। जितनी जोर से आप ताली बजाएंगे उतने ही इन बुरी रेखाओं का खात्मा होगा और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रेखाएं बन जाएंगी। इसलिए अपने लिए राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, चक्रधर भगवान की। मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही अद्भुत लिखा, ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी वन नाचे जाचे भक्ति श्री राघव की, द्रग खोली बाचे द्रग ही के खुलत है, और चढ़त राजेश रंग चित सत संगत को, मानस पढ़े से मेले मानस धुलत है, और राम गुण गायक अनेक कवि वृंद किंतु तुलसी की तुलना में कोना तुलत है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको बारंबार वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान राघवेंद्र भगवान के पावन ये विग्रह
रामचरितमानस मंचस्थ विराजमान पिता तुल्य अभी अभी आप जिनकी वाणी को सुन रहे थे, ऐसे हमारे पूज्य उदेनिया जी महाराज, हमारे पूज्य मौसा जी श्री देवनाथ पाठक जी महाराज, बड़े भैया के रूप में श्री राघवेंद्र दास रामायणी जी, परम पूज्य परम विद्वान पूज्य महाराज श्री जी पारीछा की दिव्य भूमि से पधारे हुए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज को कोटि कोटि बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम वंदन, यत्र तत्र स्थान स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, श्रद्धामयी भक्तिमती मातृशक्ति। अभी अभी आप बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे, वहीं से प्रारंभ करते हैं। विदाई हो रही थी भगवती श्री सीता जी की और उनकी मैया ने बहुत सुंदर सीख दी। और अभी अभी बाबूजी बता रहे थे कि रामचरितमानस एक मात्र दुनिया में ऐसा ग्रंथ है जो जीव को चरित्रवान बनाना सिखाता है। एक एक पंक्ति में, पंक्ति नहीं है, मंत्र भर दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। इसलिए मंत्र महामणि विषय व्याल के और मैटत कठिन कुअंक भाल के ये मंत्र हैं। तो जो भगवती श्री सीता जी को सीख मिली सुनेना जी से, वो सीख को उन्होंने चरितार्थ भी करके बताया। रामचरितमानस में ये भी वर्णन है, कैसे मैं आपको तुरंत ही बताती हूँ। क्या सीख दी थी मैया ने? सीख दी थी सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, गुरु सेवा करी हो। बहुत सुंदर सीख दी कि बेटी विदाई हो रही है आपकी, लेकिन माँ की ये बात गांठ बांध लेना। और आज की समस्त माताओं को चाहिए कि वे भी अपनी बिटिया को यही सीख दें जो माता सुनैना जी अपनी बिटिया को दे रही हैं। क्या सीख दे रही हैं? कहा सास ससुर गुरु सेवा करी हो, और पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो। सास और ससुर की सेवा करनी है, और जितनी सेवा करोगी उतनी मेवा मिलेगी। तो सास और ससुर की सेवा करनी है, परंतु पति की सेवा तो करनी है, लेकिन उसके आगे भी एक बड़ी प्यारी बात कह दी, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो। पति की सेवा इस प्रकार से करनी है, इतनी अंतरंग हो जाओ कि महाराज पति को बोलने की आवश्यकता ना पड़े, आप केवल रुख को देख करके समझ जाओ कि उनके मन में क्या है, कहना ना पड़े। कह दिया तो कुछ सब बेकार है, सारी सेवा बेकार है। सेवक जो होता है स्वामी को, उसे कुछ अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हमारे हाथ है, किसी ने हमें डंडा मारा तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते, हाथ अपने आप खड़े हो जाते हैं आपको बचाने के लिए। क्या आपने हाथ को इशारा किया था? हाथ अपने आप अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए स्वतः खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही सेवक स्वामी का भाव होना चाहिए। तो सेवा इस प्रकार से करना कि पति को कुछ कहना ना पड़े, पति रुक लखी केवल रुक को देख करके समझ जाना, तभी तुम्हारा पातिव्रत सार्थक होगा, वरना निरर्थक है। इतनी बड़ी बात माता सुनैना ने कही, और भगवती श्री जानकी जी ने इस बात को सिद्ध भी करके दिखाया। कहां? केवट प्रसंग में। मैंने केवट प्रसंग तो कह दिया, लेकिन ये बात संक्षिप्त रूप में, चूंकि समय जैसा था, तो महाराज चरितार्थ कहां हुई ये बात? कहा जब केवट उतरी दंडवत की ना, तो प्रभु सब चाही नहीं कछु दीना। प्रभु को संकोच हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? तब ये बात चरितार्थ हो रही है गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगली पंक्ति देखिए क्या कह रहे हैं।
तो पियही अकीसी जान निहारी। राम जी ने कुछ कहा था क्या? कुछ कहा था बोलिए, अगर कहा था तो ऐसे करिए और नहीं कहा था तो ऐसे करके बताइए। तो नहीं कहा था ना, तो भगवती श्री सीता जी समझ गई, पियही अकीसी जान निहारी और मनी मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी को कहना नहीं पड़ा, भगवती श्री सीता जी समझ गई मेरे पति देव संकोच में गड़े जा रहे हैं और मैं अपने पति को संकोच में नहीं देख सकती। तुरंत ही राम नाम अंकित अंगूठी को उतार करके पति देव को दिया, राघवेंद्र सरकार को दिया। तो भगवती श्री जानकी जी ने अपनी मैया की सीख को पूर्ण किया कि नहीं? बोलो, किया कि नहीं? लेकिन आजकल की जो माताएं हैं वो यदि रामचरितमानस का आश्रय ले तब तो बात बनेगी, नहीं तो सब गड़बड़ है। आज के समय में माताओं को रामचरितमानस की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम गुरु परिवार की वही है, अपने संतान की प्रथम गुरु वही है। आज की माताएं अपनी बेटी को उल्टी सी शिक्षा दे रही हैं। क्या कहते हैं कि अरे मेरी बेटी तो है जानो है पराए घर, पर काहू की किसी की धमकी में मत आइयो रे। अरे मेरी बेटी तो है जानो है पराए घर, काहू की किसी की धमकी में मत आइयो रे। अरे हमने 20 लाख का 30 लाख का दहेज दिया है, किसी की धमकी में मत आना, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना जोरदार विवाह किया है। किसी से दबकर संकोच में गड़कर मत रहना, और सास गारी देवे या ननद चुटकी लेवे तो अगर इतना कुछ हो तो किसी की सुनना नहीं है। क्या करना है? कहा अपनी खिचड़ी अलग से पकइयो रे। यदि सास कुछ कहे ननद कुछ कहे तो चिंता मत करना, गैस चूल्हा तो दे ही रहे हैं, अपनी खिचड़ी अलग से पकइयो रे। इसीलिए उन्हें आवश्यकता है रामचरितमानस की, क्योंकि ये संस्कारवान बनाना सिखाता है। तो भगवती श्री सीता जी ने पियही अकीसी जान निहारी और मनी मुदरी मन मुदित उतारी। तो पातिव्रत स्त्रियों का तभी सार्थक है जब पति को कहना ना पड़े, पति के रुख को देखकर ही समझ जाए। वो भी तब होगा जब आप पति के प्रति समर्पित होगी। कब? एक ही वचन एक व्रत ने मान, एक ही वचन एक व्रत ने मान, एक ही वचन एक व्रत ने मान, एक ही वचन एक व्रत ने। ये तब सिद्ध होगा जब एक ही वचन एक व्रत नेमा में रहोगी और काय वचन मन पति पद प्रेमा की स्थिति रहेगी। इसलिए रामचरितमानस का आश्रय जरूर लो, जरूर लो, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रघुपति भगति जासु सुत होई। वही स्त्री धन्य है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो। तो बहुत ही सुंदर चर्चा आप पूज्य उदेनिया जी से सुन रहे थे। अब एक सुंदर दृश्य अपने नेत्रों में हम सब बसाने का प्रयास करेंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, प्रभु कर पंकज कपी कैसी सा, प्रभु कर पंकज कपी कैसी सा, प्रभु कर पंकज कपी कैसी सा, प्रभु
चौपाई में। ये चौपाई हम नित्य ही पढ़ते हैं, लेकिन इस चौपाई का रहस्य क्या है? प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, भगवान राघवेंद्र सरकार का वरद हस्त किसके ऊपर है? अनंत बलवंत संत श्री मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज के ऊपर है। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, तो भगवान का वरद हस्त अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी के ऊपर है, परंतु प्रसन्न कौन हो रहे हैं? कहा सुमीरी सो दशा मगन गौरी सा। क्यों? अरे भगवान का वरद हस्त जिसके ऊपर है प्रसन्न तो उसी को होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ पर कहा गया है सुमीरी सो दशा मगन गौरी सा। ये देख करके देवादिदेव महादेव आज आनंद में विभोर हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। क्यों? अरे जिसके सर पर भगवान का हाथ वो प्रसन्न होता, जिसके सर पे है ही नहीं वो काहे को प्रसन्न हो रहा है? लेकिन इसका रहस्य है, एक दृष्टांत से सुनिए। एक जगह है हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा का, और हनुमान चालीसा में लोग भाव विभोर हो रहे थे, गदगद हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। उसी हनुमान चालीसा के पाठ में एक संत भी आए और वो भी भाव निमग्न होने लगे और आनंद में झूमने लगे, सबके साथ वो भी पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ चल रहा था और पाठ चलते 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 जब ये लाइन आई कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो जैसे ये लाइन आई तो महाराज जो संत जी बैठे थे उन्होंने कहा बंद करो ये लाइन मत पढ़ना, बंद करो, ये ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत पढ़ रहे हो, त्रुटिपूर्ण पढ़ रहे हो। सबने कहा महाराज जी को क्या हो गया? अरे जो लिखा है वही तो पढ़ रहे हैं, लिखा तो यही है शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन, लिखा यही है महाराज जी, तो हम तो वही पढ़ रहे हैं, और क्यों ना पढ़े, जो लिखा है वही पढ़ेंगे। संत जी ने कहा, कबीर दास जी की शैली में बोले, संत जी कहने लगे कि तुम कहते कागज की लेखी, परंतु मैं कहता निज नयन की देखी। मैं अपनी आंखों के देखा सीखी की बात करूंगा, केवल लिखा लिखी की बात नहीं करूंगा। तो कहा पंडित जी महाराज, संत जी महाराज, आप ही निराकरण कर दे कि यदि ये बात हम कह रहे हैं और यदि आपको ये त्रुटिपूर्ण लगती है तो आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? तो संत जी कहते हैं कि आप सब ये पढ़ रहे हैं शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन, इसकी जगह पर आपको पढ़ना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वयं देवादिदेव महादेव का ही ग्यारहवां रुद्रावतार अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के रूप में प्रकट हुआ है, इसीलिए जे ही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस हरिते भय हनुमान। इसीलिए हनुमान जी महाराज कोई और नहीं, काशीज ही कपीश बनकर के आए हैं, महादेव ही आज पवन पुत्र बनकर के आए हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि प्रभु कर पंकज कपि के शीशा सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। इसीलिए लिखना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो आज भगवान का वरद हस्त है हनुमान जी महाराज के ऊपर, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं देवादिदेव महादेव। अच्छा, ऐसा हनुमान जी महाराज ने कौन सा काम कर दिया, कौन सी विशेषता थी कि भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपना वरद हस्त उनके सर पर रखा? तो इस बात को जानने के लिए हनुमान जी की उस दिव्य यात्रा
का हमें दर्शन करना पड़ेगा, जो प्रभु के द्वारा हनुमान जी महाराज ने समुद्र को लांग करके की। दृश्य उस समय का है जब समस्त वानर भालू एकत्रित होकर के समुद्र तट पर खड़े हैं और चर्चा चल रही है कि समुद्र को कौन लांगे, कौन लांगे, कौन लांग सकता है। लेकिन निज निज बल सबका हो भाखा, निज निज बल सबका हो भाखा, निज निज बल सबका हो भाखा, निज निज बल सबका हो भाखा। तो महाराज सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं कि मैं इतने योजन जा सकता हूँ, मैं इतने योजन जा सकता हूँ, लेकिन पार जाए कछु संशय राखा। पार जाने में सबको कुछ ना कुछ संशय है सबके मन में। अब ये पार क्यों नहीं हो रहे हैं महाराज, ये सागर क्या है? ये सागर कुछ और नहीं महाराज, आपके और हमारे बीच में भी एक सागर है और वो है संसार सागर। इस सागर को भी कौन पार कर सकता है? हर कोई पार नहीं कर सकता, हर किसी के मन में दुविधा है, संशय है, तो कौन पार कर सकता है? कहा जिसके भीतर हनुमान जी महाराज के समान भगवत प्रेम हो, भगवत समर्पण हो, वही इस संसार सागर रूपी समुद्र को पार कर सकता है। तो आज सबको संशय हो रहा है कि कौन पार करे, कौन पार करे। बानर भालुओं ने सोचा कि ये कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही, अरे एक से बढ़कर एक ही बात बता दो, होना क्या है, जाना क्या है, बस 100 योजन से कम रखो। तो महाराज एक वानर बोला कि हम तो 10 योजन जा सकते। एक ने कहा बस 10 योजन, हम तो 20 योजन जा सकते। एक ने कहा आप 20 योजन, हम तो 40 योजन जा सकते हैं। वहां जामवंत जी भी खड़े थे। जामवंत जी ने कहा जब सब अपना अपना दाव बट्टा कर रहे हैं तो हम काहे को पीछे लगे, पीछे रहे, तो हम 10 कम करके 90 ही बता दे। तो आज जामवंत जी ने कहा कि हम 90 योजन जा सकते हैं। अब अंगद जी ने विचार किया कि 90 तो हो ही गए, अब मैं क्या बोलूं? तो आज अंगद जी ने कहा अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा कि मैं तो पार ही चला जाऊंगा। सबके सब देखते रह गए कि अंगद जी क्या कह रहे कि पार ही चले जाएंगे। तो सारे वानर भालू प्रसन्न होकर के चिल्लाने लगे, अरे हो गया हो गया, रामचंद्र जी का काम बन गया, अरे अंगद जी जा रहे हैं, अंगद जी जा रहे हैं और ये जरूर चले जाएंगे, कह रहे हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। पर अंगद जी ने कहा अरे भैया पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो। लेकिन कोई काय को सुनने वाला, सब चिल्ला पड़े। अंगद जी ने कहा सुनो सुनो रुको, पहले पूरी बात सुनो। सब खड़े हो गए। अंगद जी ने कहा कि जिये संशय कछु फिर ती बारा। पार तो चला जाऊंगा लेकिन लौटते समय में कुछ संशय है। जैसे ही अंगद जी ने ये बात कही सारे के सारे वानर भालुओं का उत्साह जल में परिणित हो गया, धूल में मिल गया। महाराज सब उदास हो गए कि अभी तो बड़ी बात कर रहे थे। ये तो वही बात हुई कि महाराज एक बार एक तालाब के किनारे बहुत से लोग बैठे हुए थे, कुछ स्नान कर रहे थे, कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही थीं, उसी समय कुछ बच्चे भी आसपास खेल रहे थे। एक बच्चे का पैर फिसला, तालाब में गिरा और जैसे ही तालाब में गिरा तो महाराज सारे के सारे घेर करके खड़े हो गए और कहने लगे देखो कितना प्यारा बच्चा है, अरे डूबा जा रहा है, अरे कोई तो बचाओ, अरे डूबी जाएगा, अरे बचाओ। पर बचाने का कोई प्रयास कर नहीं रहा लेकिन बस चिल्लाए जा रहे हैं, अरे बचाओ भैया, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कितना प्यारा, कितना सुंदर बच्चा है, अरे मर जाएगा, डूब जाएगा, बचाओ।
इतने में जब कोई नहीं बचाने के लिए कूदा, इतने में एक आदमी को लगा धक्का और वो गिर पड़ा तालाब में। दो चार उसने भी डुबकियां लगाई और जैसे तैसे उस बच्चे को लेकर के वो बाहर आया। सब लोगों ने कहा जय हो महाराज, अरे नौजवान आपने हम सब की नाक बचा ली। और सब लोगों ने मिलकर के कहा अरे इस नौजवान का स्वागत करो और माला पहनाओ, महाराज इसका वंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए। वो आदमी कहने लगा ये सब करना लेकिन बाद में करना, पहले ये बता दो कि धक्का किसने लगा दिया, धक्का किसने लगाया। और जैसे ही ये कहा तो जितने भी थे सबके सब उदास। हम तो सोच रहे थे कि ये बचाने के लिए कूदे लेकिन ये तो अचानक ही गिर गए। तो महाराज किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि साहिल के तमाशाही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं लेकिन इमदाद नहीं करते, अफसोस तो करते हैं लेकिन इमदाद नहीं करते। तो आज महाराज अंगद जी ने जब कहा कि जिए संशय कछु फिरती बारा, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौट कर आने में मुझे थोड़ा संदेह। अब हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे, जामवंत जी ने देखा ये काहे को नहीं बोल रहे, ये तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। अतुलित बल धामम है मुशैला वदे हम धनुज वन कृसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये क्यों चुप बैठे। तो आज किसी ने हनुमान जी महाराज से पूछा अरे सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, आपको क्या हो गया, आपको अरे आप तो अतुलित बल के धाम हैं, आप अपने बल का परिचय क्यों नहीं देते। हनुमान जी ने कहा अरे बल का परिचय तो वो सब दे रहे हैं जिनके स्वयं का बल है, मेरा बल है ही नहीं, मैं काय का बल बताऊं। किसी ने कहा अच्छा तो अतुलित बल धाम हम ऐसे ही कह रहे हैं लोग। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं कह तो सही ही रहे हैं, लोगों ने कहा सही भी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा बल नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सिद्ध होंगी। तो हनुमान जी महाराज आज कहने लगे कि अतुलित बल का मतलब क्या होता है, अतुलित बल का मतलब है असीमित बल, और असीमित बल जीवात्मा का नहीं हो सकता, असीमित बल तो केवल परमात्मा का ही हुआ करता है, परमात्मा का होता है। और जब परमात्मा का वो बल है तो मैं फिर किस बात पर, किस बल पर गर्जना करूं। तो कहा आपको कैसे पता चला कि ये अतुलित बल भगवान का है, रामचंद्र जी का है। तो हनुमान जी ने कहा मुझे पता है। कहा कैसे, हनुमान जी ने कहा कि एक ने घोषणा करी है। तो वो कहा किसने घोषणा करी, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि एक राम जी का बल देखने गया था, कौन, इंद्रपुत्र जयंत, भगवान राम का बल देखने के लिए गया और उसने क्या किया कि भगवती श्री जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया और रक्त निकलने लगा। भगवान अपना अपराध तो सहन कर सकते हैं लेकिन भक्त का अपराध सहन नहीं, ये भक्ति स्वरूपा है। भगवती श्री जानकी जी का अपराध किया और बाबा तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा कि जो अपराध भगत करी करी तो राम रोष पावक सोई जरी। तो आज भगवती श्री जानकी जी के चरणों में इस कौवे ने, इंद्रपुत्र जयंत ने चोंच का प्रहार किया और उड़ गया, राम जी से सहन नहीं हुआ। राम जी ने तुरंत एक तिनका एक सीख उठाई और सीख उठा करके बाण बना करके उसके पीछे चला दिया और महाराज उसको कहीं पर भी ठौर नहीं मिली। और जब ठौर नहीं मिली तो महाराज नारद जी मिल गए और नारद जी ने उपाय बता दिया कि जिसका अपराधी है उसी की शरणागति ग्रहण कर तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं है ब्रह्मांड में। तो आज जयंत आया है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा,
रामचंद्र जी के चरण में आया तो रामचंद्र जी ने कहा काहे को आए थे बेकार में। जयंत ने कहा बेकार में तो नहीं आए थे, आपका बल देखने आए थे। राम जी ने कहा बल देखने आए थे तो बल देखा कि नहीं देखा? उसने कहा बल देख लिया। राम जी ने विनोद बस पूछा कि बल देख लिया? कहने लगा हाँ। राम जी ने कहा बल देख लिया तो ये बताओ कि कितना बल नजर आया? तो आज जयंत स्वयं कहता है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। ओम मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति जयंत कहता अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। उसने ये घोषणा करी तो हनुमान जी महाराज कहते तभी से मैं जान गया कि ये बल किसका है? राम जी का है। अतुलित बल के धाम तो वही है, मैं अतुलित बल का धाम नहीं हूं। एक दूसरा दर्शन भी मिलता है, जब ये बात कही ही है तो आपको सुनाते चले कि अन्य रामायण में यह वर्णन आता है कि जयंत ने भगवती श्री सीता जी के चरणों में चंचू प्रहार नहीं किया अपितु वक्षस्थल पर भगवती श्री जानकी जी के चंचू प्रहार किया। राम जी ने जब ये देखा तो राम जी से सहन नहीं हुआ और राम जी ने सीख उठा करके बाण के रूप में उसके पीछे जब लगाया और जब उसके पीछे बाण लगाया उसको कहीं ठोर नहीं मिली तब नारद जी मिल गए। नारद जी सदगुरु है और नारद जी ने नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। आज नारद जी ने देखा ये विकल होकर के उधर उधर भाग रहा है तो संत है दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना दया आ गई। और नारद जी ने बोला कि अरे पागल अरे मूर्ख इधर उधर काहे को भटकता है, अरे जिसका अपराधी है इस दुनिया में क्षमा करेंगे तो वही करेंगे, अन्यथा कोई क्षमा करने वाला नहीं है, तू उन्हीं की शरण ग्रहण कर। और तब नारद जी के वचन को सुनकर के जयंत राघवेंद्र सरकार के चरणों में आके गिरा और गिरा भी तो कैसे गिरा जानते हैं? जब राघवेंद्र सरकार बैठे हैं भगवती श्री जानकी जी के साथ तो ये जयंत आकर के नारद जी के वचन को सुनकर के जब आकर के गिरा तो चित्त होकर के गिरा। चित्त जानते ना, चित्त और पट्ट, तो चित्त होकर के गिरा। और चित्त कैसा कि राम जी के समक्ष तो चरण है और महाराज चेहरा जो है वो पीछे है, समझ गए ना? ऐसे चित्त की भूमिका में वो आकर के गिर पड़ा। जब चित्त की रूप में आकर के गिर पड़ा तो राम जी ने अपना मुंह फेर लिया। भगवती श्री जानकी जी तो करुणामयी सरकार है ना, दया की मूर्ति है, जगदम्बिका है, जगत जननी है, जगत की माता है, उनको दया आ गई कि ये मेरा बच्चा ही तो है, मेरा ही तो है, इसको राम जी के सामने प्रणाम करना नहीं आता तो ये सिखाने का काम माता का ही है, संस्कारवान माता ही तो मनाती है। आज जगत जननी श्री जानकी जी ने उस कौवे को जो चित्त गिरा था सर इधर और चरण राम जी की तरफ चित्त ऐसे, राम आज उसकी स्थिति को देख करके भगवती श्री जानकी जी ने उसे उठाया और उठा करके ऐसे करके घुमा दिया तो पट्ट के रूप में वो राम जी के चरणों में आकर के समर्पित हो गया, गिर गया, प्रणाम करने लगा और
जब प्रणाम करने लगा तो श्री जानकी जी ने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु अब तो इसकी तरफ देख लीजिए, कृपा कर दीजिए। राम जी ने कहा कि मैं कृपा करने वाला नहीं हूँ, इसने मेरा अपराध किया होता तो कृपा भी कर देता, लेकिन इसने भक्त का आपका अपराध किया है, मैं इसे क्षमा करने वाला नहीं हूँ। श्री जानकी जी ने कहा क्षमा तो करना पड़ेगा। राम जी ने कहा देखती नहीं इसको, जरा भी सुहूर नहीं, जरा भी संस्कार नहीं, चित्त होकर के गिर पड़ा मेरे चरणों में। भगवती श्री सीता जी ने कहा प्रभु संस्कार नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपको क्षमा तो करना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैं तो बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगा, अरे कुछ और गुण ना होता मैं सब मंजूर करता, लेकिन इसके जीवन में तो कोई सदगुरु भी नहीं है, इसकी नैया कौन पार करेगा। भगवती श्री सीता जी ने कहा प्रभु आपको भूल हो रही है, इसके जीवन में गुरु भी है। भगवान ने कहा गुरु है, कौन है गुरु? भगवती श्री सीता जी कहती हैं कि नारद जी इसके गुरु बन गए, क्योंकि नारद जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके चलते ही ये आपके चरणों तक पहुंचा है। और गुरु का काम यही है कि जीवात्मा को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दे, तो नारद जी के वचनों ने इसे आपके चरणों तक पहुंचा दिया है, इसलिए इसकी गुरु दीक्षा भी हो चुकी है। गुरु दीक्षा तो हो गई। राम जी ने कहा फिर भी मैं क्षमा नहीं करूंगा, गुरु दीक्षा भले ही हो गई हो, लेकिन गुरु दीक्षा के समय शंख चक्र गदा के चिन्ह अंकित करे जाते हैं, वो चिन्ह तो इसमें है ही नहीं। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। बोल संत भगवान की। तो महाराज अभी 5 से 7 मिनट, फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। तो महाराज आज भगवती श्री सीता जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि भले ही आप कहती हो कि गुरु इसके जीवन में है, लेकिन चलो गुरु मान भी लिया, लेकिन इसके ऊपर संत चक्र के चिन्ह नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं मानता कि गुरु दीक्षा हुई है। भगवती श्री सीता जी कहती हैं आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके शरीर पर शंख चक्र के भी चिन्ह अंकित हो गए। राम जी ने कहा कैसे? भगवती श्री सीता जी ने कहा कि जब मैंने इसे उठा करके चित्त से पट किया तो मेरे हाथों में जो आयुधों के चिन्ह हैं वो इसके ऊपर सबके सब बन गए हैं, इसलिए इसके शरीर पर आयुध भी हो गए हैं, गुरु दीक्षा भी हो गई है, अब तो आप इसे क्षमा कर दें। रामचंद्र जी ने कहा फिर भी मैं क्षमा नहीं करूंगा, और ये जो बाण मैंने छोड़ दिया है भले ही सिख का है लेकिन है बाण, ये तो अब चल के ही ठिकाने पर रहेगा। तो महाराज आज राम जी ने क्या किया कि एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख का कर दिया। क्योंकि एक आंख का क्यों किया? क्योंकि ये अभिन्न को भिन्न समझ रहा था, तो भगवान ने इसकी दृष्टि एक करके अभिन्न को भिन्न को अभिन्न समझ रहा था, अभिन्न को भिन्न समझने के लिए राम जी ने इसको एक आंख का कर दिया। भगवती श्री जानकी जी ने जब देखा तो कहा अरे प्रभु ये क्या किया, मेरे पुत्र को आपने एक आंख का काना कर दिया। अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भगवती श्री जानकी जी का कि संतान ऐसी कि एक आंख की कानी, दुनिया वाले जग हसाई करेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देवी भले ही मैंने इसको एक आंख का काना कर दिया हो, लेकिन ये अपनी एक ही आंख को इस प्रकार से फटाफट जल्दी जल्दी ऐसे घुमाएगा कि दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो ये जान पाए कि ये कौवा एक आंख का काना है। भगवान ने कृपा करी। तो आज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अतुलित बल किसका है? रामचंद्र जी का अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, ये रामचंद्र जी का बल है। और मेरा जो हृदय है वो तो केवल हृदय था, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार जब अपने आयुधों को लेकर के अपने बल को भाई कहीं पर भी जाएंगे प्रभु, तो बल को कहीं रख करके जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, भगवान जहां पर भी जाते हैं उनका बल उनके साथ चलता है। तो भगवान का बल, भगवान के आयुध अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के हृदय में जब राघवेंद्र सरकार सबको लेकर के बैठ गए तो हृदय फिर हृदय नहीं रहा, वो हृदय धाम बन गया, इसलिए हनुमान जी महाराज कहलाने लगे।
अतुलित बल धाम। तो महाराज श्री हनुमान जी महाराज से सबने कहा कि आप कुछ करो, तब हनुमान जी महाराज ने फिर प्रयास किया है और आप सब परिचित हैं कि हनुमान जी महाराज ने फिर क्या किया। विषय तो बहुत लंबा है, यदि किसी एक और पंक्ति में उलझ गए तो उसको फिर स्पष्ट तो करना ही पड़ता है, इसलिए अपनी वाणी को विराम पूज्य महाराज श्री जी की वाणी का आश्रय लेंगे। बड़े ही भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री चक्रधर भगवान की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की हर हर महादेव। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम भाव के साथ आप कीर्तन गा सकते। दोनों हाथों को खोल दो बड़ी भक्ति में, अपनी हस्ती को भुला दो, क्योंकि न जाने ये अगले वर्ष ये समय मिलेगा और अगले वर्ष तक हमारे प्राण रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। कर लो सो काम, भज लो सो राम, इसलिए दोनों हाथों को खोल कर बड़े भाव से राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। गाइए आप नहीं, अब आपकी बारी है, अब देखना यह है कि जीत आपकी हो रही है कि इनकी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए, वाह जीत गई। अब दोनों मिलकर के राम 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 सीता राम 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 राजा।
चक्रधर भगवान की, राधा माधव सरकार की, भारत माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव, हर हरि बोल। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, रामचरितमानस भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, जय सीतारा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता विजय राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम राम, मनोजवं मारुति दोलवेगम, जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानिर्योधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीर विनिभो हनुमान, राम जस जस आप गान, विनिभो पवन कुमार खल बन पावक गान, घन जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप उधर, कुंद समुदे उमा रमण करुणाय, जाय तीन परने करो कृपा मरदम, सिया राम में सबो जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के जय हो, भारत माता के जय हो, सनातन धर्म के जय हो, राम जन्म भूमि के जय हो, विश्व जन्म भूमि के जय हो, काशी विश्वनाथ के जय हो। ओम महाराहर महादेव। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भाव गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय बेटी दीपा मिश्रा, सम्मानीय राजकुमार उदयनिया जी, सम्मानीय राघविंद जी, संचालन का कुशल भार संभालने वाले श्री पाठक जी, सम्मानीय समस्त समिति के पदाधिकारीगण, सम्मानीय समस्त विद्युत समाज, प्रिय श्रोताओं, मातृशक्ति माँ बहन बेटी, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम। रज राम 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 सीता राम राम राम, रज राम 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 सीता राम राम राम, रज राम 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 सीता राम राम राम, रज राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, राम
बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। एक बार एक विदेशी आया, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी से कहा, महाराज भारतवासी बड़े अंधविश्वास, मूर्ति के सामने रोते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी ने उसे ललकार दिया, भारतवासी अंधविश्वासी नहीं विश्वासी हैं और मूर्ति में भगवान है। अरे जैसे बिजली के तार में करंट का दर्शन नहीं होता तो क्या करंट नहीं होता, इसी प्रकार भगवान का दर्शन संसार में नहीं होता तो क्या भगवान नहीं होता। देखो बिजली के करंट में तार खिंचा हुआ है, प्रैक्टिकल कर लेना, बिजली का तार खिंचा है लेकिन करंट नहीं दिखाई दे रहा। करंट कहाँ दिखाई देता है, बल्ब में। अर्थ और फेज से जब जोड़ते हैं वो बल्ब जलने लगता है तो हम कह देते हैं इसमें करंट है। जैसे बिजली के करंट का दर्शन बिजली के तार में नहीं बल्ब में होता है, इसी प्रकार परमात्मा का दर्शन मूर्ति में होता है, मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है। किसने बताया, मीरा ने बता दिया। मीरा गोविंद गोविंद कहती हुई भगवान गोविंद की मूर्ति में समाहित हो गई, इससे पता चला है कि भगवान है। नामदेव ने बता दिया विठल विठल गाते हुए भगवान विठल की मूर्ति में समाहित हो गए। चेतन महाप्रभु ने बता दिया हरि बोल जगन्नाथ भगवान में सा शरीर समाहित हो गए। इन संतों की कोई समाधि नहीं मिली, ये तो भगवान में समाहित हो गए। और साधारण से समझ लो, एक अखबार है इतना लंबा चौड़ा, कीमत 4 रुपया और पढ़ने के बाद 0, लेकिन लंबा चौड़ा कागज है, कीमत कुछ नहीं है 4 रुपया। और एक छोटा सा कागज है, कीमत 2000 रुपया। वो 2000 का नोट है, एक छोटा सा कागज उसकी कीमत 500 रुपया, एक छोटा सा कागज उसकी 100 रुपया 50 रुपया। मतलब क्या है, भारत सरकार ने कि गवर्नर ने उस कागज के टुकड़े पर दस्तखत कर दिया तो वो क्या भगवान है, इंसान है। लेकिन जब भारत का गवर्नर किसी कागज के टुकड़े पर दस्तखत कर देता है तो वो कागज का टुकड़ा 2000 का नोट बन जाता है, 500 का नोट बन जाता है। जब भारत के गवर्नर के दस्तखत कर देने पर जब कागज का टुकड़ा 2000 का नोट बन सकता है तो भारत का विद्वान जब वेद मंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है तो मूर्ति भगवान बन जाता है, भगवान के समान देने के लिए मंजूर हो जाती है। इसलिए मूर्ति में भगवान, इसमें कोई संदेह। छोड़ो बात रामचरितमानस के, भरत ने तो खड़ाओं की पूजा की और करते क्या हैं, रोजाना पूछते हैं। ऐसे हम और आप भी पूछें, हर काम हनुमान जी से पूछ कर करें, काम में सफलता मिलेगी। आप कहोगे महाराज क्या मजाक कर रहे हो, हनुमान जी बोलते हैं, बोलते हैं
क्यों आप कहोगे कैसे, जब रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस की जब खड़ाऊं भरत से बोल सकती हैं, जरा विचार करो, जब खड़ाऊं भरत से बोल सकती हैं तो ये मूर्ति भक्त से बोल नहीं सकती है, बोल सकती है, तुम्हारे हृदय में बोलते हैं, हृदय में बोलते हैं। इसलिए जो काम भी करना है भगवान से पूछ करके करो। भरत जी ने बिना पूछे कोई काम नहीं किया, लिखा है नित्य पूजत प्रभु पावरी और प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयस कर तो राज काज बोभा। हुआ क्या परिणाम, राज खजाना 10 गुना बढ़ गया। खड़ाओं से पूछ पूछ करके राज चलाया तो राज खजाना बढ़ गया। इससे मतलब क्या है, तुम भी हनुमान जी से पूछ पूछ करके, अपने देवी देवताओं से पूछ करके घर चलाओगे तो तुम्हारे घर की संपत्ति 10 गुनी बढ़ जाए। व्रत में परेशान होते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, काम करने वाला तो भगवान है, भगवान उसको मान करके तो करो, उसका विश्वास तो करो। विश्वास, विश्वास में ही तो सब कुछ छिपा हुआ है। ले हम और आपको विश्वास ही नहीं है। बाप को विश्वास होता कि लड़का सेवा करेगा, कोई गारंटी है बाद में नहीं करेगा? बोलो, रात और दिन उसके लिए लगा देते हो, झूठ भी बोलते हो। साहब पहले का आदमी कहा करता था, हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि बाल बच्चेदार है, अंतर कितना हो गया। पहले का आदमी कहता था हम झूठ इसलिए नहीं बोलते कि बाल बच्चेदार है, और आज का आदमी कहता है कि हम झूठ इसलिए बोलते बाल बच्चे पालना है, बिना बाल बच्चे पलते नहीं है। बोला महाराज इसलिए झूठ बोलते। वो आदमी समझता है कि हम सिर पर सब उठा करके चल रहे हैं, और कहता है घर में जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन इस घर की हालत देख लेना क्या होगा। जिस दिन तुम नहीं थे क्या घर नहीं चलता था, और जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन सब मर जाएंगे। तुम ही सब कुछ कर रहे हो। एक टीटरी पक्षी होता है, वो ऊपर पैर उठ करके सोता है, क्यों? वो समझता है ये बादल गिर ना पड़े, अगर बादल गिर पड़ेगा तो वो संभाल लेगा, लेकिन वो समझता है कि मैं संभाल लूंगा। एक आदमी घड़ी सुधरवाने गया और घड़ी साज की दुकान पर पहुंचा, लेकिन ये था कि जो घड़ी सुधारने वाला था वो तो कहीं बाहर चला गया थोड़ा चाय पीने के लिए। इतने में एक पागल आया और पागल उस दुकान में बैठ गया, और घड़ी सुधरवाने वाला आया, उसने पागल से पागल उसने ऊपर से कांच हटाया और देखा कांच फूटा था, इसलिए उसमें मच्छर घुस गया था। वो बोला ले जाओ ये कभी नहीं चलेगी। बोले क्यों? बोले इसका ड्राइवर मर गया। वो समझता मच्छर चलाता था, बोले वो जब मर गया अब नहीं चलेगी। ऐसे इंसान है मच्छर की तरह, सोचता मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। बाबा ने डंके की चोट पर लिख दिया, केवल मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। मन से वचन से कर्म से ये चतुराई छोड़ दो, आदमी चतुराई नहीं छोड़ता। एक पत्नी जब देखो तब उपवास उपवास। एक दिन लड्डू बना रही है, पति आ गया, क्या हो गया? आज बोले तुम्हें पता नहीं है आज हमारी धड़क चौथ है, धड़क चौथ। क्यों? इस टीन पर से लड्डू ढड़काएंगे और जितने नीचे गिरेंगे सब हमारे, और रुप जाएंगे वो तुम्हारे। पति ने सोचा रुपना तो एक भी नहीं, टीन पर ढड़केंगे रुपेगा कोई? बोला सब नीचे चले जाएंगे। उसने शुरू किया ढड़काना, सब नीचे जा रहे। पतिदेव एक कहीं से डंडा लाया और बीच में लगा दिया, अब तो एक भी नहीं गिर रहा है। पत्नी ने कहा कि अब क्यों नहीं गिर रहा है? बोले अब तुम्हारी धड़क चौथ बंद हो गई, अब रुक पांचे लग गई।
अब सब मई रोके जाए, चतुराई हर काम में चतुराई। एक पत्नी कहती है आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाऊं? अरे तुम नहीं समझते हो आज हमको जल नहीं पीना है, इतनी बड़ी तपस्या करनी है कि जल नहीं पीना है। अच्छा, इसलिए भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन के पास बैठेंगे तो अग्नि से हमको गर्मी लगेगी, प्यास लगे आए, हमारा व्रत टूट जाएगा। पति बिचारा सीधा साधा बोले तो हम कहीं चले जाएंगे, ससुराल चले जाएंगे। पास में ससुराल थी, वो पत्नी बोली चले जाओ। लेकिन उसने सोचा कि चलो देख तो लूं आज इनका उपवास वास्तव में है क्या। और एक दरवाजे से गया और पीछे के दरवाजे घुस करके वहीं छिप करके बैठ गया। अब उनका उपवास चालू हुआ। कोई गन्ना बेचने वाला आया, जो बिच रही है अब यास को, गन्ना बिक रहा है, गन्ना बेचने वाला आया, उसने गन्ना खरीदा और चूसा, पानी नहीं पीना। अब गन्ना तो वैसे ही ठंडा है, पीते रहो चूसते रहो। एक अमरूद बेचने वाला आया, अमरूद खरीदे, अमरूद खाए, अमरूद खाए, पानी नहीं पीना, अरे अमरूद। उसने सोचा एकादशी तो हमारी हो रही है, ये तो गन्ना चूस लिया, अमरूद खा लिया, साहब इनका काम तो चल रहा है, फिर भी भूख नहीं भगी तो बढ़िया सिंगाड़े के आटे का बढ़िया हलवा बनाया, घी बढ़िया छोड़ा। इतने में वो निकल पड़ा। अरे बोले तुमने तो कहा था हम ससुराल जा रहे हैं, फिर क्यों आ गए? अरे बोले जब रास्ते में गए ना तो एक बड़ा भारी लंबा सांप था, लंबा। वो बोली छोटा मोटा होगा। अरे नहीं, जितने गन्ने लंबे थे उतना लंबा। वो समझ गई, देख लिया, तब तो बोल रहे। अरे तो बोले ऐसा ही होगा, मरा पड़ा होगा। बोले नहीं नहीं, जैसे अमरूद में आंखें होती ना, ऐसे उसमें आंखें थी, अमरूद कैसी आंखें जो पड़ी, ये अमरूद का नाम क्यों ले रहे? देहो ना हो, देख लिया। फिर उसने कहा कि गन्ना कितना लंबा था, अमरूद कैसी आंखें थी, फिर तुम कैसे बच गए? वे बोले जैसे जो हलवा बच गया, ना जे भी जाने वाला था, इसलिए हम बच गए। देखो ये चतुराई छोड़ो, सच्चे हृदय से जो भी काम करो परमात्मा स्वीकार करता है। इसलिए बाबा ने लिखा मन क्रम बचानो छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। लेकिन आदमी भी कम नहीं है, भगवान बार बार नोटिस भेजता है, गए अब भजन करो, सफेद बाल हो गए और कफन सफेद होता है, अब तैयारी करो। लेकिन वो फिर भी भजन नहीं करता, सफेद बाल हो गए, गया बाजार में पूरे काले करके आ गया, कहाँ है सफेद, हम तो 80 साल में काले के काले। उसका एक नाती था 20 साल का, बोले बब्बा कारे कराए घूम रहे, तो वो गया तो पूरे सफेद करवा के आ गया। बब्बा ने कहा बेटा तू तो छोटा है, तू सफेद करके क्यों आ गया? बोले घर में एक बुढ़ा रहना चाहिए, तुम जवान मर रहे हम बूढ़े बने जाते, एक बुढ़ा तो रहना चाहिए। तो नोटिस फाड़ दिया, सफेद बाल उसने लगाया खजाब, नोटिस फाड़ के फेंक दिया। भगवान ने दांत तोड़ दिए, उसने बढ़िया 3200 लगवा लिए और चना चबारा, वो भी फाड़ के फेंक दिया। नेत्र कमजोर हो गए, लेंस लगवा लिया है, बढ़िया चश्मा लगवा लिया, देख रहा है, वो भी फाड़ के फेंक दिया। ले अंतिम नोटिस भेजा, इसको लेके चले आओ, तो अंतिम नोटिस लेके चला गया। बोला इसलिए बार बार नोटिस ली से आते हैं, भगवान की ओर चलो, भजन करो, भजन करो। अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई 10-5 साल की, फिर भी घर और गृहस्थी में फंसा रहता है। एक बच्चों ने इंतजाम किया, क्या किया, पिताजी को काशी में भेज दिया, मरघटे में एक क्वार्टर दिलवा दिया कि रोज आना, जहां
जलते रहते हैं मुर्दे, और पिताजी देखेंगे तो बैराग हो जाएगा। एक महीने के बाद फोन किया, पिताजी अब तो आपको बैराग हो गया। पिताजी बोले, नहीं बेटा चिंता मत करो, यहां लकड़ी का व्यापार बढ़िया चलेगा। बोले हो गया, बैराग हैराग नहीं होता, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता, अनुराग नहीं होता। प्यारे प्रेम हो जाए, जिसको प्रेम हो गया, मीरा को, नरसी नामदेव तुकाराम को, भरत जी को प्रेम हो गया। तो भरत जी कहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरी, अनुदिनी बड़ही अनुग्रही तोरे। सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं, अनुराग चाहते हैं। ऐसा प्रेम अनुराग हमारे आपके हृदय में भी जाग जाए। देखो, परमात्मा ने हर जीव को एक मशीन दी, दिल की मशीन। भगवान ने कृपा की और मनुष्य को एक नहीं दो मशीनें दी, दो, एक दिल की एक दिमाग की। किस लिए? इसलिए इसे जरूरत पड़ेगी, इसे दो मशीन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? एक दिमाग की और दिल की। और भगवान ने कहा कि इन मशीनों को ढंग से लगा लेना, तेरा उद्धार हो जाएगा। कैसे? लेकिन इसने, मनुष्य ने क्या किया? बोले उल्टी लगा दी। बस ये मशीन सीधी कर लो, कल्याण हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। ये मशीनें जो तुमने उल्टी ठोक दी, ना सीधी लगा लो। उल्टी कैसे लगा दी? दिल की मशीन लगा दी संसार में। प्रेम किससे? बेटा से। प्रेम किससे? संसार से। साथ से प्रेम कर लिया, दिल लगा दिया संसार में, और दिमाग लगा दिया भगवान में। निराकार है के साकार है के तदाकार है। अब तो दुनिया का आदमी और विचित्र हो गया। बोले बेकार है, बेकार, दिखाई नहीं देता। कैसे माने कि है कि नहीं है? और बस दिल की मशीन लगा दी संसार, इन्हें सीधी कर लो। क्या कर लो? ये दिमाग की मशीन संसार में लगा लो। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सीख लो। नहीं जाओगे ट्रेन में यात्रा करने, और कोई आएगा और कहेगा, लो हनुमान जी का प्रसाद, और तुमने लड्डू लिया और ये खाया, बेहोश हो गए, तुम्हारा झोरी झंडा लेके चला जाएगा। कई ऐसे केस हो जाते, चाय पिलाते उसमें डाल देते, और तुमने चाय पी, बेहोश हो गए, तुम्हारा झोरी झंडा लेके चला गया। इसलिए दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, किसका खाना किसका नहीं खाना। जिससे तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, उससे का कोई कभी मत छियो। ये संदेश है, आदेश है। देखो राम कथा सब समझाती है, सब कैसे रहना कैसे चलना। अरे जल्दी किसी से प्रेम मत करो कि जल्दी प्रेम हो गया, बस स्नेही बन गया एक मिनट में। ऐसे जल्दी प्रेम मत करो, समझ लो कि ये राम का है, और जब राम का हो तो प्रेम कर लो, और राम का नहीं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसलिए दिमाग की मशीन संसार में लगाओ, और दिल की मशीन, विश्वास की मशीन परमात्मा में लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। विश्वास केवल परमात्मा में, और किसी का विश्वास करने लायक नहीं है। दुनिया में तुम्हें सब धोखा दे सकते हैं, सुना होगा अखबार में, सब धोखा दे सकते हैं कि बेटे ने बाप को मार दिया। सुना होगा बाप ने बेटे को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, और पति ने पत्नी को मार दिया। बड़े बड़े संबंध टूटते नजर आते हैं, लेकिन प्यारे उस परमात्मा पर विश्वास करो। दुनिया में सब संसार तुम्हें धोखा दे सकता है, कि वह परमात्मा कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा का विश्वास नहीं। भक्तों को केवल परमात्मा का विश्वास होता है। हनुमान जी को विश्वास है तो राम जी का है, भरत जी को विश्वास है तो राम जी का है। इसलिए वो कहते हैं, मुझे राम चाहिए, मुझे सीता राम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और जब चित्रकूट में गए हैं तो कहे, मैं आगे से नहीं जाऊंगा। किसी ने पूछा, कहां से जाओगे? बोले पीछे से जाऊंगा। बोले पीछे से क्यों जाओ?
अरे मैं आगे से जाने लायक नहीं हूं, मैं पापी हूं। मो समानी को पाप निवासु, जय लग सी राम बनी बासु। मेरे समान दुनिया में कौन पापी होगा जिसके कारण सीता राम वनवासी बनकर गए। पिताजी का मरण हुआ, माताएं विधवा हुई और राम कैसा भाई वनवासी बनकर चला गया, सीता कैसी भावी मां वनवासिनी बनकर चली गई और लक्ष्मण कैसा भाई चला गया। मेरे समान दुनिया के अंदर कोई पापी नहीं होगा। भरत अपने को पापी कहते हैं, इसलिए मैं पापी हूं, आगे से नहीं जाऊंगा, पीछे से जाऊंगा। पापी को आगे से जाने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तो पीछे से जाऊंगा। और जब पीछे से गए हैं तो किसने देखा? लक्ष्मण जी ने देखा। जब भरत जी ने पाए नाथ कर पाई गुसाई, भूतल पर ओ लकुट की नाई। जब पाए नाथ कर पाए गुसाई कह करके चरणों में गिरे, उसी समय लक्ष्मण ने देख लिया। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और केवल कहा प्रभु भरत आया है। और भरत शब्द राम जी के कर्ण कोहरों में गया और जैसे गया कि मेरा भरत आया। ये है प्रेम। यदि तुम्हें भाई भाई का बनने का अवसर मिला है, मौका मिला है, तो राम और भरत कैसा प्रेम अनुराग करो। एक जगह राम और भरत की कथा हो रही थी, उसने कहा महाराज कल हम नहीं थे, आज सुना दो। कल कहां गए थे? बोले भाई भाई का मुकदमा चल रहा है, इसलिए मुकदमा लड़ने गए थे तारीख पर। बोले जो भाई भाई से मुकदमा लड़ता है उसे भरत चरित सुनने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये तो प्रेमी भाइयों का है। कथा किसकी है? प्रेमी भाइयों। कैसा प्रेम था, कैसा स्नेह था, एक दूसरे के पीछे मरने के लिए तैयार थे। आज जैसे राम ने सुना कि मेरा भरत आया, राम उन्मद हो गए, बेहोश हो गए। राम को होश नहीं रहा, बाबा ने लिखा क्या, उठे राम सुनु प्रेम अधीरा। प्रेम में व्यक्ति अधीर हो जाता है। परमात्मा प्रेम में इतना अधीर हुआ कहीं धनुष बाण गिर गया, कहीं वस्त्र गिर गए और पागलों की तरह चीख करके भागा, मेरा भरत कहां, मेरा भरत कहां। उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा। साहब कहीं धनुष बाण पड़ा, कहीं खंग पड़ा, कहीं वस्त्र पड़े, ऐसा प्रेम ऐसा अनुराग। किसी ने पूछा अरे धनुष बाण तुम क्यों गिर गए? राम जी ने सबको छोड़ा, वनवासी बने, अयोध्या को छोड़ा, माताओं को छोड़ा, गुरुदेव को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, साहब को छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्यारे धनुष बाण तुमको नहीं छोड़ा। बोलो, राम तो तापस भेष थे, वो धनुष बाण भी छोड़ सकते थे, वहां धनुष बाण बंदूक की जरूरत क्या थी, लेकिन राम ने हमको सिखाया, राम ने हमको पढ़ाया। राम ने एक गुरु नहीं दो गुरु बनाए। किस बात के? वशिष्ठ को गुरु बनाया, विश्वामित्र को गुरु बनाया। वशिष्ठ शास्त्र के गुरु हैं और विश्वामित्र शस्त्र के गुरु हैं। मतलब परमात्मा संदेश दे रहा है, क्या शास्त्र से ही काम नहीं चलेगा, जीवन में शास्त्र से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे साथ शस्त्र की भी जरूरत है, तुम्हें धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्र की भी जरूरत है और शस्त्र की भी जरूरत है। पहले शास्त्र से समझाया, बहुतों ने समझाया, लेकिन जब कोई नहीं समझता तो फिर शस्त्र से समझता है। इसलिए परमात्मा श्री राम ने शस्त्र को स्वीकार किया है। हमारा कोई भी देवता देख लो, भगवती दुर्गा त्रिशूल लेकर के खड़ी है, सिंह पर बैठी है, सिंह पर। ये हमारी भारत की देवी है, ये भारत की नारी है, नारी का नरत्व देखिए, सिंह पर बैठी है।
जब नारी का नरत्व जागता है तो दुराचारी को कांप आता है, जानती हो। जब वो रानी लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथों में तलवार ली, घोड़े की लगाम मुख में दावली, दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध दिया और कूद पड़ी किले से, घोड़े पर बैठ करके कूद करके 10,000 अंग्रेजों की सेना को मृत्यु सैया पर सुला दिया, काट दिया। कांप गया अंग्रेज, उसी दिन देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इंग्लैंड में सूचना दी कि यहां की नारी का नरत्व जागता जाग गया है और यहां की नारी नारी नहीं काली बन गई है। खप्पर लेकर के, तलवार लेकर के उस नारी ने 10,000 सेना को मृत्यु सैया पर सुला दिया। कांप गया अंग्रेज, सूचना आई छोड़ दो, भारत को छोड़ करके बाहर चले जाओ, नहीं एक अंग्रेज भारत के अंदर नहीं बचेगा। ये नारी हमारे यहां की दुर्गा है, हमारे देश की नारी काली है, काली ही। ये दुराचारी अत्याचारियों, जब नारी अपने पर आती है तो काली बन जाती है। काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जय चंदों की कमी नहीं है और ऐसी देवी को किसी ने साथ नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि 90 साल की उन जंजीरों में देश फिर गुलाम की जंजीरों में जकड़ गया और ऐसी वीरांगना को भी अपनी तलवार से अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। प्यारे, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, शायद कोई साथ दे देता तो अंग्रेज उसी समय भाग गया था। इसलिए नारी यहां की देवी है, साधारण नहीं है। इसलिए कहा गया है, 3 सजा वही दे सिखो, संत सती और असू, और 3 लजा वही दे सिखो कुलटा कायर कूर। ये देश संतों का देश है, शूरवीरों का देश है, सतियों का देश है। राजस्थान की चित्तौड़ की रानी, जिस समय मुगल सम्राज ने उस चित्तौड़ के राजा को समाप्त कर दिया और चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर के आगे बढ़ने लगा, दासियों ने कहा वो दुराचारी अत्याचारी तुम्हारी सुंदरता को लूटने के लिए आ रहा है। पद्मावती ने कहा चिता सजा दो, चिता सजा दी गई। पद्मावती उसमें बैठ गई, कहा आग लगा दो, आग लगा दी गई, जलने लगी। तो उसने पवन देव से पुकार करके कहा, हे पवन देव, जब जल करके मेरे शरीर की राख बन जाए तो इतने बहना कि वो दुराचारी मेरे शरीर को क्या, मेरे शरीर से बनी हुई उस राख का भी स्पर्श ना कर सके। चारी कोई भी काल रहा हो, सतियों ने अपना दर्शन दिया है, संतों ने अपना दर्शन दिया है, समर्थ रामदास गुरु का देश है। ये उस समर्थ रामदास गुरु जो शिवाजी के गुरु थे, ये स्वामी विवेकानंद का देश है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए और कहा स्वामी जी उसी को पहन लिया, उसी को लपेट लिया, अच्छे नहीं लगते। अरे आपके यहां कोई टेलर नहीं है जो आपको बढ़िया वस्त्र बना करके सुंदर बना देता? स्वामी जी ने जवाब दे दिया, अरे तुम्हारे देश का मानव वस्त्रों से सुंदर लग सकता है, तुम्हारे देश के मानव की सुंदरता वस्त्रों से आंकी जा सकती है, लेकिन हमारा देश वो देश है जहां मानव की सुंदरता वस्त्रों से नहीं आंकी जाती है। हमारे देश का मानव वस्त्रों से सुंदर नहीं लगता, फिर किससे सुंदर लगता? हमारा देश का मानव चरित्र से सुंदर लगता है। प्यारे, चरित्र से सुंदर। महात्मा गांधी ने एक ही वस्त्र को पहन लिया, सारी दुनिया में महात्मा कहलाए। बोलो, हमारे देश में चरित्र पूजता है और उसी के चरणों की पूजा की जाती जिसका चरित्र पावन और पवित्र होता है। आज किसी ने कहा धनुष्मान तुम्हें सर माना चाहिए। बोलो, जिन राम ने सबको छोड़ा तुम्हें नहीं छोड़ा और आज तुमने उनका त्याग कर दिया। धनुष्मान ने कितनी बढ़िया बात कही। धनुष्मान ने कहा,
भरत कैसे संत को जब मैंने परमात्मा श्री राम के चरणों में लौटते हुए देखा तो मैंने विचार किया कि ऐसा संत, भरत कैसा संत आज राम जी की चरणों की रज में लौट रहा है। मौका है, मैं राम जी के हाथों में रहा, राम जी के कंधे पर रहा, लेकिन मौका है। क्या है? यदि मैं आज कंधे से हाथ से छूट करके नीचे गिर जाऊंगा तो भरत कैसे संत की चरण रज को प्राप्त हो जाएगा। केवल संत भरत की नहीं, भगवान की भी चरण रज मिल जाएगी। इसलिए धनुष्बाण कहता है, मैं परमात्मा और भक्त की चरण रज को प्राप्त करने के लिए नीचे गिर पड़ा। किसी ने कहा तो राम जी ने कहा, यह धनुष्बाण गिरा नहीं, मैंने गिराए। कहीं अपने से गिरते? आपने क्यों गिराए? अरे कोई राजा किसी राजा से लड़ने के लिए आता है तो वह शस्त्र डाल देता है। आज ये प्रेमी अनुरागी भरत संत मेरे पास आया तो मैंने आज शस्त्रों को डाल करके, धनुष बाण को डाल करके बताया, भरत ए प्रेमी भरत, इस प्रेम के युद्ध में तेरी जय है और मेरी हार है। मैंने हार को स्वीकार किया। प्यारे, जो हारता है वो शस्त्र झुका देता है, शस्त्र डाल देता है। चार बार पाकिस्तान ने शस्त्र डाल करके, सिर को झुका करके क्षमा मांगी है किससे? भारत से। फिर भी उसे ज्ञान नहीं होता। बोलो, आज राम ने कहा मैंने शस्त्र को झुका करके और भरत से हारी मारी। भरत राम की भैरों छिड़ गई एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक ओर है राम एक ओर भरत व्रतधारी, अवध राज की गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर मारी। राम कहते हैं, यदि इस अयोध्या में भरत नहीं है तो मुझे राज स्वीकार नहीं है। यही तो कहा था, जन्म एक संग सब भाई, भोजन सैन के लरकाई। और मेरे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, मेरे भाइयों का खेल कूद एक साथ हुआ। और बोलो, करण भेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह, मेरे भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ। राम जी से जब कहा गया कुछ नेग ले लो, कुछ ले लो, आज का दूल्हा मांगता है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी चलाना जानता नहीं, फिर एक्सीडेंट कर देता है। जितने एक्सीडेंट होते ना, 50% इन दहेज की गाड़ियों से होते। इसलिए दहेज में मांगो मत, प्रेम से देता तो ले लो, और जबरदस्ती से ले रहे हो, जमीन बेच रहा, मकान बेच रहा हो, तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दे रहा है। जरा सोचो, धन पर आओ बिस्ते बिस्वारी, दूसरे के हृदय पर चोट मार करके जबरदस्ती ले रहे हो, वो तुम्हें फलेगी? इसलिए पूरा परिवार बैठा हो, हुआ एक्सीडेंट, सब चले गए ऊपर। इसलिए दहेज की गाड़ियों से बच के रहना, पूछ लेना तब बैठना कि दहेज की तो नहीं, और दहेज की हो तो हाथ जोड़े लेना, क्षमा करो, ले जा। बोला, दहेज की गाड़ी में खतरा ही खतरा भरा रहता है। राम जी से पूछा, आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दूल्हा राजा, कुछ तो मांगना पड़ता है। राम जी ने जो मांगा वो मांग लो, सबका कल्याण हो जाए। राम जी ने कहा, अयोध्या से जितने कुंवारे आए हो सबका विवाह कर दो, हमारा विवाह तो सबका। सबको दूल्हा बन गया, घर घर मंडप लग गया, घर घर सब गए थे, सब दूल्हा बन के चले आए, सबका विवाह हो गया, चारों भाइयों का तो हो ही गया। इसलिए करण भेद उपबीत बियाह, संग संग सब भयो उछाह, सबका बढ़िया बढ़िया उछाह हुआ है, विवाह एक साथ हुआ, सब कुछ काम एक साथ हुआ, लेकिन एक काम अधूरा होने जा रहा है। राम कह रहे, विमल बंसी यही अनुचित एकु, और बंधु बिहाय बड़ई अब सेकु, मेरे भाई नहीं है मौजूद भरत ननिहाल में,
शत्रुघ्न ने हाल में और मुझे राज दिया जा रहा है। राम जी कहते मुझे राज नहीं चाहिए। क्यों? इस अयोध्या में मेरा भरत नहीं है। भरत कैसा संत नहीं होगा तो राम कैसा परमात्मा गद्दी पर नहीं बैठेगा। और जब भरत कैसा संत छत्र लेकर के खड़ा होगा तब राम वे ब्रह्म रूपी राम सिंहासन पर बैठेगा। बिना संत के नहीं बैठ सकता। इसलिए राम कहते हैं कि भरत नहीं तो मुझे राज्य स्वीकार नहीं। वनवास को स्वीकार कर लिया। और भरत जी क्या कहते? भरत जी कहते अच्छा मुझे राज दे रहे हो, मेरा राम वनवासी बनकर चला गया। भरत कहते अयोध्या में यदि राम नहीं है तो मुझे राज स्वीकार नहीं है। फुटबॉल बन गया। और 14 वर्ष तक उस राज गद्दी पर कोई नहीं बैठा। कौन बैठा है पता है? राम की खड़ाऊं बैठी, राम की जूतियां बैठी हैं। किसी ने कहा क्यों बैठी? उसकी भी खोज की गई क्यों बैठी। तो एक दिन की बात है कि जो मुकुट था उस मुकुट ने खड़ाऊओं को ललकारा। ए खड़ाऊं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। जो राजा आया उसने पांव में रगड़ा। महाराज हरिचंद हो चाहे महाराज दिलीप हो चाहे भागीरथ हो चाहे आज हो, कोई भी राजा चाहे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, उन्होंने तुम्हें पहना और रगड़ा। यही तो होता है। जूता को आदमी क्या करता, रगड़ता है पहनता है। तुम सारी जिंदगी भर रगड़ी गई हो, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं हुआ। और मुझे जानती हो मैं मुकुट हूं, सत्यवादी हरिश्चंद्र के सिर पर रहा, दानी रघु के सिर पर रहा, महाराज दिलीप के सिर पर रहा, महाराज भागीरथ के सिर पर रहा, महाराज अज के सिर पर रहा और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सिर पर रहा। और मैं अब भाग्यशाली होने जा रहा हूं कि अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा के सिर पर रहूंगा। राम जी ने सुन लिया, इसे अहंकार हो गया। भगवान कभी किसी का अहंकार स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा श्री राम ने कहा हे मुकुट सुन ले, तो खड़ाऊंगों को ललकार रहा है, सुन ले 14 वर्ष तक तू राज खजाने में पड़ा पड़ा धूल चाटते रहना और ये खड़ाऊ सिंहासन पर बैठ करके 14 वर्ष राज करेंगे। इसे प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, वो सादर भरत शीश धर लीनी। भगवान ने खड़ाऊ दी और भरत ने सिर पर रख ली। और आए वो क्या किया, उन खड़ाऊओं को सिंहासन पर बैठा दिया। और क्यों खड़ाऊ दी थी? भरत ने कहा था प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। भगवान समझ गए जब पिताजी चले गए तो जे भी चले जाएंगे, फिर क्या करें। भरत ने कहा आप चलो। भगवान ने कहा मैं चलूंगा तो पिताजी का वो वरदान खंडित हो जाएगा। तापस ईशु विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ये वरदान कहाँ जाएगा, ये तो टूट जाएगा। राम ने सोचा दोनों के प्राण बचाना है। और महाभारत काल में आपने देखा है द्रौपदी का जब चीर खिंच रहा था, सबसे पुकार लगा रही थी और अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर गदाधारी भीम गांडीवधारी अर्जुन नकुल सहदेव किसी ने और कर्ण कैसा वीर धृतराष्ट्र राजा बना बैठा, लेकिन किसी ने वाणी को बढ़ाने का साहस नहीं किया। द्रौपदी समझ गई मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा है, तो गोविंद को पुकारा, दोनों हाथों को छोड़ करके और गोविंद को पुकारा, गोविंद मर जाऊंगी अगर मेरी लाज लुट गई तो प्राण दे दूंगी। उसी समय परमात्मा प्रकट हो गया, साड़ी के रूप में वो परमात्मा प्रकट हो गया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की है। समय समय पर परमात्मा अवतरित होता है। आज भरत भी कहता है प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो जैसे परमात्मा कृष्ण ने साड़ी आज द्रौपदी के प्राणों को बचाने के लिए साड़ी का अवतार लिया था, वस्त्र अवतार लिया था, इसी प्रकार आज परमात्मा श्री राम ने भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए खड़ाऊओं का अवतार ले लिया। प्रभु ने कहा चलो,
भरत तेरी दृष्टि है ये तो, तू खड़ा हुआ मैं भी मेरा दर्शन कर लेगा, सीताराम का दर्शन कर लेगा, संसार तो मुझ में भी दर्शन नहीं कर पाएगा। हनुमान जी के सामने जब व्यक्ति जाता है तो उसे मूर्ति दिखाई देती है, यही भूल है। इसलिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए कुछ नहीं मिलता। हनुमान के सामने जाओ तो मूर्ति में हनुमान का दर्शन करो, और जो प्यारे हनुमान में, जो मूर्ति में भगवान हनुमान का दर्शन करता है उसको सब कुछ मिल जाता है, कोई संदेह। यही दृष्टि में अंतर है। आज भरत तेरी वो दृष्टि है। भरत ने खड़ा हुओं को देखा तो किसी ने पूछा, भरत तुम पागल हो, खड़ा हूं लेकर जा रहे हो? भरत ने कहा, दुनिया वालों तुम्हें खड़ा हूं दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे इस खड़ा हूं में तो सीता राम का दर्शन हो रहा है। भरत मुदिति अब लंबु लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, ऐसा आनंद हो रहा है मेरे सीताराम मेरे साथ जा रहे हैं। और खड़ाऊओं को ले गए और खड़ाऊओं को सिंहासन पर विराजमान किया। और बाबा कहते, नित्य पूजत प्रभु पाव, प्रीत न हृदय समा, मांग मांग आयस कर तो राज काज बहु भा। मांग मांग करके 14 वर्ष राज चलाया और राज खजाना 10 गुना बढ़ गया। भगवान श्री राम ने भी उन दुर्गुण रूपी रावण राक्षसों को समाप्त किया और बढ़ाया रथ कहा अयोध्या की ओर। तोर कोस गहि मोर सब सत वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरति मोहिनी मिसि कल्प समझा, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाव हूं वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। और पुष्पक विमान में बैठ करके पूरे शाह सेना के सहित परमात्मा अयोध्या में आया, और जैसे पता चला तो सारी अयोध्या उमड़ पड़ी। उस दृश्य को हम सुनते थे, गाते थे, लेकिन योगी जी ने उस दृश्य को प्रकट करके दिखाया और 17 लाख दीपकों को जलाया। बोलो, और दीपक जल रहे हैं, दीपावली मन रही है, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर 50% तैयार हो गया है। 2023 और 24 में तुमको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का दर्शन होगा। और अयोध्या में विकास 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 हो रहा है, सारी अयोध्या चमचम हो रही है, सारे सब पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महाराज। फिर भगवान ने सोचा, क्या करें, चन्मयी सब मिले भगवान, उमा मरम यही काहू न जाना। एक क्षण में परमात्मा सारे अयोध्यावासियों से मिल गया, कहा देर करने की जरूरत नहीं है, दिव्य सिंहासन मंगाया गया, सीताराम को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रयास दीना, राम राज बैठी तेरी लोका, हर्षित भई गई सब सूका, बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता, सारी अयोध्या में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, सब राम के प्रेम में ऊंडमद हैं। इसलिए प्यारे, जब सबके हृदय परमात्मा निवास करता, सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और आज परमात्मा श्री राम जब सिंहासन पर विराजमान हुए तो भरत छत्र लेकर के खड़े हुए। भरत रो रहे हैं, किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं, सब प्रसन्न है, फिर भरत क्यों रो रहे हैं? पूछो। भरत ने कहा, अयोध्यावासियो, मैं तुम्हें मैं दिखाने के लायक नहीं हूं। क्यों? ये राज तिलक तो 14 वर्ष पहले होना चाहिए था, लेकिन इस भरत के कारण ये 14 वर्ष का इसमें विक्षेप पड़ा है। पर मैं नहीं होता तो 14 वर्ष के पहले तुम्हें आनंद मिल जाता। राम ने कहा, ये बात नहीं है, मैंने भरत को पीछे खड़ा किया, तुमने क्यों किया? कहा, इसलिए किया, इस प्रेम युद्ध में मैंने हार को स्वीकार किया, और जो हारता वो पीठ दिखाता है, तो मैंने आज भरत को पीठ का दर्शन कराया कि मैं हार गया। जय जयकार हुआ, सारी अयोध्या में पुष्पों की वर्षा हुई है, और
आज चक्रवर्ती महाराज दशरथनी कौशल्या के नेत्र में बैठ करके रामराज का दर्शन किया है। सुमंत्र जी जो पट्टी बांध करके 14 वर्ष तक रहे, उनकी भी पट्टी को खोल करके आज परमात्मा श्री राम का राज तिलक पर बैठे दर्शन किया है। जय जयकार हो रहा है। और 1 साल तक हम और सीताराम को राज सिंहासन पर बैठे और दर्शन करते रहें, फिर आगे फिर अवसर मिलेगा। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम, आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। रज राम 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 सीताराम राम राम राज राम 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 सीताराम राम रज राम 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 सीताराम राम राम राज राम 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 सीताराम राम राम रज राम 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 सीताराम राम राम राज राम 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 सीताराम राम राम रज राम 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 सीताराम राम राज राम 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 सीताराम राम राम राज राम 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 सीताराम राम राम राज राम 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 सीताराम राम राम राज राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता के, सनातन धर्म की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। दशरथ तनय कौशल्यानंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, निर्गुण सगुण अनुपरूप निधि सकल लो